लोग खाने पीने के लिए मर रहे हैं, चूल्हा चक्की सब बंद है। कोई आया देखने के लिए? कोई भी नहीं। बकरी बच्चा लेकर को हम लोग का कष्ट है, गोरू है, क्या स्थिति बहुत खराब है, छोटा छोटा बच्चा लेकर आते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इस वक्त अहमदाबाद प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ का दंश झेल रहे हैं, लेकिन प्रशासन के बार बार आश्वासन देने के बाद भी अब तक इन ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है। ये पीड़ित लोग टकटकी भरी निगाहों से प्रशासन की ओर देख रहे हैं। आखिर कब प्रशासन ग्रामीणों की बात सुनेगी और इन्हें सहायता उपलब्ध कराएगी? अहमदाबाद प्रखंड का दुर्गापुर पंचायत भी बाढ़ से बेहाल है। दुर्गापुर पंचायत के सभी 14 वार्ड बाढ़ में डूब चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इन ग्रामीणों की सहायता करने अभी तक कोई नहीं आया है। ना तो इन ग्रामीणों के पास रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए शुद्ध भोजन। ग्रामीणों की समस्या को लेकर दुर्गापुर पंचायत के मुखिया गोपाल प्रसाद सिंह ने कहा कि उन्होंने कई बार वरीय पदाधिकारियों को भी आवेदन दिया है, लेकिन अब तक प्रशासन ने उनके किसी भी आवेदन पर संज्ञान नहीं लिया है। अहमदाबाद प्रखंड के ग्रामीणों के लिए बाढ़ एवं कटाव अभिशाप की तरह है। पहले तो बाढ़ से पहले यहाँ के लोगों को कटाव का दंश झेलना पड़ता है, उसके बाद बाढ़ का तांडव यहाँ के ग्रामीणों को तबाही मचाता है। तस्वीरों में आप एक बार देखेंगे कि ये दुर्गापुर पंचायत में हम खड़े हैं और दुर्गापुर पंचायत का ये गांव है, और आप तस्वीरों में देखेंगे कि लगभग परिवार का घर डूबा है। ये गली जाती है जो लोगों के घर तक पहुंचती है। हम लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस बढ़ते बाढ़ में किस तरह से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? भागरथी देवी। कैसे रहते हैं इस पानी में आप? हम लोग बड़ा कष्ट में रहते हैं, बकरी बच्चा लेकर को हम लोग का कष्ट है, गोरु है, बाढ़ में हम लोग का खूब दिक्कत होता है रहने में। कोई आया देखने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया। बीटीओ सीओ ये सब कोई नहीं आया, मेंबर मुखिया। क्या नाम है चाची आपका? मीना देवी। कैसे रहते हैं इस बाढ़ में? बहुत कष्ट में रहते हैं। दिक्कत होता है? खूब दिक्कत, चूल्हा टूल्हा नहीं जरता है, पानी हो गया गुट्टे और चूल्हो न जरता है, खाना पीना नहीं है, मुश्किल हो। चलिए और भी लोग हैं जी, क्या नाम है? खेलू मंडल। कैसे रहते हैं पानी? क्या करेंगे सर, इतना परेशानी में है जी कि यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आया। हम लोग करीब 15-20 रोज से पानी है और फिर भी पानी बढ़ने लग गया, उसको बाद भी कोई नहीं इंक्वायरी किया अभी तक। कुछ मिला आप लोगों को? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं मिला हम लोग का, न कोई देखने आता, न कोई भुगता है, कोई ताकता है, कुछ नहीं आता है। और हम लोग खाने पीने के लिए मर रहे हैं, चूल्हा चक्की सब बंद है, हम लोग किसी तरह से चौकी में बैठ कर को बैठे हुए हैं, कहाँ जाएंगे फ्लैट में? क्या चाचा कैसे? दिक्कत में रहते हैं सर। बाल बच्चा कहाँ रहता है? बाल बच्चा कहे चौकी का ऊपर रहता है, दिक्कत है। हाँ, जो है और भी लोग हैं, हम बात करेंगे उनसे भी कि आखिरकार ये बाढ़ में इन लोगों का जीवन यापन किस तरीके से हो रहा है। क्या नाम है चाची? रेनू देवी। कैसे रहते हैं बाढ़ में? कैसे रहेंगे सर, देखते हैं प्रस्तुति हम लोग का घर का गाय माल हमारा इथी में रहता है, रोड पर रखते हैं। कोई देखने के लिए आया? नहीं, कोई नहीं आया। प्रशासन की ओर से हालांकि बताया जा रहा पॉलिथीन वगैरह? कोई नहीं आया। कोई आया? कोई नहीं आया। क्या स्थिति? बहुत खराब है, छोटा छोटा बच्चा लेकर रहते हैं, दिक्कत है। दो बच्चा है, छोटा छोटा तो घर के रखते हैं। रोटी बनाने में कुछ नहीं मिलता है, कहीं कहाँ रोटी बना के खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई बहुत दिक्कत आ रहा है हम लोग का। नून सत्तू खाते हैं, मैं थोड़ा सा रहता हूँ, मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है हम लोग का। 13-14 रोज हो गया। कैसे रहते हैं? ऐसे ही तकलीफ करते हैं, क्या करेंगे, ऐसा तकलीफ होता है तो घर में पानी हो गया। पानी तो घर में था, तभी पानी कम के फिर भर गया, फिर बढ़ा है। हाँ, दिक्कत बढ़ गया, दिक्कत भर गया। कोई आया देखने के लिए? कोई भी नहीं आया। कुछ मिला भी? कुछ भी नहीं मिला हम लोग का। क्या नाम है? कितोकी देवी। तो पानी में रहते हैं, अंदर में खटिया बिछा कर सोते हैं, या चौकी है, चौकी में रहते हैं, और 10-15 दिन से तो तकलीफे में रहते हैं, कुछ मिलता है नहीं। कोई आया देखने? नहीं, कोई नहीं आया देखने के लिए। वोट उट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। हाँ, वोट तो देते हैं। विधायक भी लोग आया कोई? नहीं नहीं, कोई नहीं आया यहाँ देखने के लिए। सांसद वगैरह? कोई नहीं। कुछ मिला? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिला। लक्की टोला। क्या नाम है? अर्जुन रजक। खूब कष्ट, बच्चा कच्चा लिए खावा दावार खूब कष्ट, मैंने चौकिर मध्य रान्ना टाना कर एक जगह सबाई मिले थकते हे चौकते
खूब कष्ट मान एक मान हाँ पंद्रह बाईस दिन हो गए मान खूब कष्ट जल नहीं क्या नाम है आपका रानू देवी कहीं से कुछ मिला भी ना 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 कुछ ना निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप देखेंगे कि हम भी उसी पानी पे खड़े हैं और ये गांव जो जाता है चारों तरफ पानी से लबालब है। हमारे साथ बात करने के लिए दुर्गापुर पंचायत के मुखिया जी हैं गोपाल प्रसाद सिंह, उनके द्वारा भी कई बार अधिकारी को लिखित आवेदन दिया गया, क्या कुछ पहल हुआ है प्रशासन को सूचना देने के बाद? देखिए अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, कल भी हम SDO साहब से मिले, परसों ADM साहब से मिले, CO मैडम से मिले, लगातार हम लोग संपर्क किए, ये आज लगभग 15 से 20 दिन हो गया पानी आया हुआ और मेरा पंचायत जो है सबसे डीप एरिया में मतलब डाउन एरिया में जी। और यहाँ पे सब लोग कटाव पीड़ित के लोग हैं और गरीब परिवार के लोग हैं, सबका चूल्हा बंद है और हम तो सरकार से मांग किए कि तत्काल सूखा राशन मिल जाए और पोलोथीन मिल जाए। बांध पर देखिएगा आपको अधिक संख्या में लोग मवेशी लेकर घर बनाकर रहते हैं लोग, तो यहाँ पे अधिकारी के नाम पे सुन है। SDO साहब बोले कि हम आ रहे हैं, वो भी नहीं आ पाए, अब बोले कल आएंगे। CI साहब बोले कि आएंगे, वो अब मोबाइल बंद कर लिए हैं। CO मैडम से मेरी बात हुई कि सब लोग जाएंगे, टीम बना हुआ है। इस तरीके से अनदेखा क्यों किया जा रहा है, इसे कैसे? अब सरकार क्या कहे, अब सरकार को तो पहला हक है कि बाढ़ पीड़ित परिवार को पहला हक है कि उसको अनुदान मिलना चाहिए, उनकी सूखा राशन मिलना चाहिए, रसोई किचन चलना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक जो है हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कितना वार्ड आपका प्रभावित है इसे? हमारा कुल पंचायत में 14 वार्ड है, जिसमें लगभग समझिए कि 2-3 वार्ड थोड़ा थोड़ा आधा घर के, लेकिन 12-13 वार्ड जो है एकदम फुल फ्लजर में प्रभावित है। अब मान लीजिए कि किसी रोड किनारे घर है, लोग 2-4 घर बात देकर, जैसे इस वार्ड में 5-6 वार्ड है, एक भी घर में चूल्हा नहीं जलता है, सब लोग मूढ़ी सत्तू और गैस जो सरकार दिया है उसी पर चौकी पर रख के बांध पर खाना बनता है, स्थिति गंभीर बना हुआ है। मांग क्या करें? हम सरकार से निवेदन करते हैं तत्काल जो है यहाँ सूखा राशन रसोई किचन चलना चाहिए और पोलोथीन, अभी जो वर्षा जो हुआ 3-4 रोज, हालांकि कई पंचायत को बताया जा रहा है कि पॉलीथीन की व्यवस्था कराई गई, आपको क्यों नहीं मिल पाया? हमारे यहाँ अभी तक कोई पोलोथीन की व्यवस्था नहीं गई, मैंने मैडम से बात किया, थोड़ा कटाव पीड़ित के लिए देना है, तो कटाव पीड़ित मेरे यहाँ नहीं, हम तो यहाँ सब बाढ़ से प्रभावित लोग हैं और कई दिन वर्षा देखे होंगे कितना कड़ाके की धूप है, जाके देखिएगा कोई साड़ी टांगा है, कोई कुछ टांग कर अपना जीवन बसर कर रहा है लोग। मैं निवेदन करते हैं SDO साहब से, ये अति शीघ्र जो है समुदाय किचन प्रोटीन सूखा राशन दे हम लोग तत्काल, उसको जीएल राशि भी मिलना चाहिए सर। निश्चित तौर पर समस्या बड़ी है और ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि इन बाढ़ पीड़ित परिवार का सुधी ले। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक इन बाढ़ पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अपने सहयोगी के साथ मैं इम्तियाज, KBC न्यूज, अहमदाबाद। हालांकि सरकार कहती तो है कि बाढ़ की चपेट में आए ग्रामीणों की हर संभव सहायता करेगी, लेकिन ऐसा जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलता है। अब दुर्गापुर पंचायत के बाढ़ पीड़ितों को कब तक सहायता उपलब्ध होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है।